इसके अलावा दो और जख्मी हैं। बाबू, इनके मरने से पहले जिसने इन्हें मारा वो मरेगा। वो कौन है पता लगाओ। एक्सरे के बिना गया तू पहलवान मार के भुर्ता बना देगा, का करें? ये इसमें कुछ नहीं, सही रहेगा। पब्लिक में दारू पीना कितना मुश्किल है। आइडिया, इसमें मिलाए के चढ़ाए लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोज यहीं पर चढ़ा रहे हो? कौन? हिला मत। हॉस्पिटल में बेड के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाने को कहा, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं खुद चढ़ा लूंगा। लेकिन ग्लूकोज तो नस से चढ़ाई जाती है, तुम तो मुंह पे चढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में नस के जरिए चढ़ाते हैं, मेरा तो एडवांस है ना, इसलिए डायरेक्ट चढ़ाने को कहा। इस छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। एक्सरे ले लिया? हाँ, खिंचवाया। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंदर कोनो पुर्जा हुई तब तो दिखाई दे। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि दिन गिनना शुरू कर दे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा दया करके मुझे दिवाली तक की मोहलत दे दे। दिवाली तुम्हें इतना पसंद है? बहुत। उस दिन भोर भोर उठ के नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा मिठाई खाने के बाद दो ही दो लक्ष्मी बम को टप टप फोड़ना चाहता हूँ। एक ही एक फुलझड़ी को जलाने के बाद बस उसी रात को या अगली सुबह को आप जैसे भले मानुस का चेहरा देख के। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ। तुम यही रहना। ऐसे बेवकूफ भी होते हैं दुनिया में। हमारे आदमी को मारने वाले का पता चला? अभी तक नहीं। पता करो, डैडी जान गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जी जाओ। जी अच्छा। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराया हो। मैंने कहा था ना 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा, तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है? इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहां आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। 1 तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा। शत्रु, मास, दम है तो रोक ले। जो हुआ किसी को पता ना चले। हाय डैड। क्या हुआ? कोई आवाज सुनी? पड़ोस में कहीं गैस सिलेंडर फट गया था। इट्स ओके। भाई, लगता है कोई दूसरे भाई लोग हमको निशाना बना रहे हैं। अब तक हमारे 6 आदमी मारे गए, आज हमारे घर में बम फटा। आईजी से या मिनिस्टर से बात करके क्यों? वो सब हमारे पास आते हैं मदद के लिए। अब हम मदद के लिए उनके पास गए तो हमारी पावर कमजोर पड़ जाएगी। आप डैडी को बोल दे तो। ऐसी छोटी मोटी बातें हमें खुद निपटानी होंगी। जो कहा वो करो।
ए, अभी अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं मालिक, बहुत से लोगों ने किया है। हाँ बोल। ये पीसीओ है भाई। एक लड़की के साथ क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अमीर घर से रिश्ता आया है, शादी कर लो ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप। वो नहीं बदलेंगे मीना, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। बहुत खूब, फैसला वाकई बहुत बढ़िया है। कैसे मरना चाहोगे, पटरी पर सर रख के या समंदर में कूद के? आत्महत्या करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसमें से 1% हिम्मत भी हम में होती ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मीना का पैर ठीक हो जाए तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर। इसका पैर ठीक हो जाएगा, वो मेरा जिम्मा है। तुम लोग फिजूल की बातें मत करो। क्यों, प्यार है? ए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ओ तुम, कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए? खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं, जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे, और पकड़ा भी गया, अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो, कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूरख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है। वो इतना पावरफुल है हा? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं? मुझे कैंसर है कह के खूखू खांसा तो 2,000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे, मिठाई, नए नए कपड़े चाहिए, कहा तो वही लाने के लिए गया है। महामूरख है भैया, मालूम है। और का सुनो भैया, अभी नू वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको ट्रिपल बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कू 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 करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है, मुझे कैंसर है सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक एक की ये हाइट है, करके रोते हैं। एक भी अकल नहीं है, सबके सब गेंडे हैं भैया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, यही है। आप आ गए देवता। छोड़ दो मालिक, अरे गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, पास मर्डर करने वाला राजू नायक बोल रहा हूँ। आप सिटी सेंटर के पास छड़ा मर्डर करने वाला हूँ। क्यों रे, तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले पूरी इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा, मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुदा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हेलो। आ गया, आ गया, आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड, एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा लाइन पे आ रहा है, बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा ये कैसा है, ये देखो यहाँ पे कैसा है ये? रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो सुबह 10 बजे उठती है और टीवी के सामने बैठ के सीरियल्स देखा करती है, मुझे वो सब पसंद नहीं। लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा हाँ। बेटी प्रिया क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो, रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ। हाँ, सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो 6 बजे उठ गई? हेलो, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। माँ की तो आदत है, जो करती रहती है। जो करने वाली माँ नहीं तुम हो। हाँ, रोज 10 बजे उठने वाली लड़की 5:30 बजे क्यों उठी ये भी नहीं समझ सकते बुद्धू।